अपने राजपाट को हार जाते हैं, यहाँ तक कि द्रौपदी को भी हार गए, तो दुर्योधन ने हलकारे को भेजा कि जा उस बेहया औरत द्रौपदी को भरी सभा के अंदर लेकर गया। सजनों, हलकारा गया लेकिन द्रौपदी ने मना कर दिया। फिर दुशासन से कहा कि जा और उस द्रौपदी के केस पकड़ करके खींचता हुआ सभा के बीच में लेकर गया। सजनों, दुर्योधन के कहे अनुसार वो दुशासन द्रौपदी के कक्ष में चला जाता है और द्रौपदी से किस तरह से कहता है कि तुझे सम्राट दुर्योधन ने बुलाया है, जिसको तूने अंधे का अंधा कहा था। क्या वार्तालाप होते हैं, क्या लिखा बाकी वाला रागिणी में कैसे। हेलो, हेलो, भैया जोड़ी, ओ छोरे, ओ जोड़ी। द्रौपदी, आज मुझे सम्राट दुर्योधन ने भेजा है और यह कह के भेजा है कि जा उस द्रौपदी को भरी सभा के अंदर बुलवाया है आज। देवर जी, लगता है आप अपनी मर्यादा भूल चुके हो, आप ये भी भूल चुके हो कि मैं आपकी भाभी जी लगती हूं। मैं मर्यादा नहीं भूला हूँ, मर्यादा तो तूने तोड़ी थी। मैंने आज उस मर्यादा के लिए दुर्योधन ने तुझे बुलाया है, क्योंकि तूने मुझे अंधे का अंधा कहा था। आज अंधे का अंधा कहने का सबक तुझे सिखाएगा। मेरी बात सुनिए देवर जी, मैंने तो सिर्फ एक छोटा सा मजाक किया था, लेकिन आप तो सब कुछ भूल गए, लेकिन आप ये भी भूल चुके हो कि आप एक क्षत्रिय हो। हाँ, ये नहीं भूला हूँ, क्योंकि मैं जब आया हूँ, जब तुझे हमने जुए में जीत लिया है, उसके बाद बुलाने आया हूँ, पहले नहीं आया था। ऐसा है, मैं उस सभा में जाने का लायक नहीं हूँ। आप तो अपनी मर्यादा भूल चुके हो, लेकिन मुझे अपनी मर्यादा याद है, क्योंकि उस कुल में, जिस कुल में मैं ब्याही हूँ, उसमें ये रूल नहीं है। सुन जा, मुझसे जो कहा गया है, डर जा, लो ले ले। यह तो खोंदन बेकार है द्रौपदी का। मेरी सुन ले, मुझे जो सम्राट दुर्योधन ने कहा है मैं उसे तेरे सामने कह रहा हूँ। क्या कहा है उसने, ये सुन ले। मेरी बात सुन ले, कल को नू कहेगा थूत पर रहते खाया, खाएगा तू रहते न खाएगा तो नहीं आऊंगा फिर। लेकिन द्रौपदी ये सुन ले, हाँ। कि जो सम्राट दुर्योधन ने मेरे से कहा है मैं वही तेरे से कह रहा हूँ, और मैंने तुझे कुछ नहीं कहा है। अच्छी बात है कि तू उसकी कही हुई वाणी कह रहा है, अगर तू कह रहा होता तो तू ही जमीन मगाड़ देती। अच्छा, हाँ। तो मेरी बात सुन ले, मैं क्या कहना चाहता हूँ। अपनी बात, हाँ। मेरी सुन ले, रागिणी मर्यादा में होनी चाहिए। द्रौपदी ऐसी नहीं थी जैसी आप द्रौपदी को बना रहे हो। अरे द्रौपदी ऐसी, द्रौपदी मर्यादित नारी थी। अच्छा, मर्यादा में उसकी रागिणी गाओ, मेरे तो ये कहना। सुन मेरी बात, जब तुम नहीं मर्यादा ना रखी तो हम काहे की मर्यादा नहीं रखें। देखो जो हुआ था उसी तरह रागिणी गाओ, क्योंकि अच्छा। हमारे बुजुर्गों को पता चले ना, बुजुर्गों को पता है द्रौपदी सतवंती नारी थी। तो सुने, काम कर, तेरी पहुंच लत्तन की पहरावनी कर दी हुई सब कहा गए। अच्छा देखो, ये रागिणी हो रही है, मजाक नहीं हो रहा है। रागिणी गाओ, रागिणी तरीके से गाओ, रागिणी के तरीके से गाओ। शुरू करो, कह अपनी बात। द्रौपदी चाल
अंधे करी अंधा याद करे। तो मेरी बात भी सुन लीजिए देवर जी। सुनाइए। हमें सभा में जान है लायक ना मेरी कोई जब बर्बाद करे। मैं सभा में जान है लायक ना मेरी कोई जब बर्बाद करे। अरे द्रोपद चाल मेरे संग मेरी द्रोपद चाल मेरे संग में अंधे का अंधा याद करे। और हमारे बीच में मान सिंह गोस्वामी जी जिला प्रभारी हापुड़ हमारे बीच में पहुंचे हैं। भाई एक बार जोरदार ताली बजाकर स्वागत करेंगे, जोरदार ताली। और जिला महामंत्री श्यामेंद्र त्यागी जी वो भी हमारे बीच में पहुंचे हैं, एक बार सभी के लिए जोरदार ताली। और इंडिया न्यूज से प्रवीण शर्मा जी भी हमारे बीच में पहुंचे हैं अपनी टीम को लेके। भाई यहां पर पधारने पर हार्दिक धन्यवाद है, तहे दिल से सभी के लिए एक बार जोरदार ताली। अगली कली के माध्यम से क्या बता दिया कवि ने। शरम नहीं देख सेड़ा कर ले मुंह जल जाता खाया करते गरम नहीं। सेड़ा कर ले मुंह जल जाता खाया करते गरम नहीं। अरे इन बातों से मेरा द्रौपदी हृदय होता नरम नहीं। तुम बहु बेटी ने बुरी तको हो यो छतरी का धर्म नहीं। बहु बेटी ने बुरी तको हो यो छतरी का धर्म नहीं। अरे मन हलकारा मत ना जाने बकवास करे। कसर चढ़ जाहगी तेरे दुशासन मत ना घड़ी अनाद करे। सर चढ़ जाहगी तेरे दुशासन मत ना घड़ी अनाद करे। तो हमारी अनाद बता रही है और तुमने वो परी सभा के अंदर मेरे भाई का जो अपमान किया था वो आज तक नहीं भूला है। मेरी बात सुनिए देवर जी, जितना बर्दाश्त मैं कर रही हूँ ना, अगर कोई और होती ना तो पता ना क्या से क्या कर देती तेरे इतने बोलों पे। अच्छा, लेकिन वो तो मेरी मर्यादा है जो तेरी इतनी सुन रही हूँ मैं। और हमारे भाई शिव कुमार नागर झंडा से जिए जी। भाई 101 रुपए से हमारी पार्टी का मान सम्मान करते भाई के लिए जोरदार ताली होनी चाहिए। और भाई रागनी अगर अच्छी लग रही है और कलाकार थोड़ी बहुत लग रहे हो मेहनत कर रहे तो एक बार इनके लिए भी जोरदार ताली हो जानी चाहिए। आइए क्या लिखा है तीसरी कली में। और प्रेमी साथियों
इस ऐतिहासिक रागने पर खुश होकर हमारे आदरणीय आज के इस प्रोग्राम के संयोजक प्रमोद नागर जी और श्रीमती रेखा होन जी 5100 रुपए से हमारा सम्मान करें। मेहरबान, एक बार जोरदार ताली। और हमारे बीच में देवा भाटी जी जिला पंचायत सदस्य गौतम बुद्ध नगर हमारे बीच में पहुंचे हैं। भाई एक बार जोरदार ताली बजाकर उनका स्वागत करेंगे। जोरदार ताली। बताई नहीं देख मेरे जैसी और किसे में तेवर मिले समाई नहीं। मेरे जैसी और किसे में तेवर मिले समाई नहीं। अरे तेरे ते जाता जग मेरी तेरे ते जाता जग में कोई और पद जात लुगाई नहीं। बेकायदे से बोले मत ना खाती तेरी कमाई नहीं। बेकायदे से बोले मत ना खाती तेरी कमाई नहीं। अरे तेरा नंगा नाच देख के धन फरियाद करे दिख नहीं किसे में जोरी साचो गंगा जी में गाद करे। नहीं किसे में जोरी साचो गंगा जी में गाद करे। और हमारे आदरणीय मनवीर नागर जी अट्टा से पहले भी बहुत इनाम दे चुके हैं और 101 रुपए से इन कलाकारों का सम्मान कर रहे हैं। और परवेश होन जिला महासचिव किसान यूनियन हापुड़ और विश्वजीत प्रधान जी मुक्तेश्वरा से 500 रुपए से हमारा सम्मान कर रहे हैं। एक बार जोरदार ताली। जोरदार ताली। और द्रौपति जो तेरी हिमात करने आएगा ना उसे भी आज कौरव सारे मिलकर के देख लेंगे क्योंकि दुर्योधन आज सम्राट हो गया है और वो सारे इस जग का अब मालिक हो चुका है। मेरी बात सुन ले, जब मेरा हिमाती आएगा ना तो तुम कौरव नहीं कौआ बन जाओगे। अच्छा हिंदू कहेगा भाभी ज्यादा बोले। अच्छा सुनो, जो हिमाती होगा उसके लिए लिखी है उसने उसके लिए क्या भेजा है। अच्छा सुन ले मेरी बात है। और भाई 2 मिनट के लिए हमारी रागनी को विराम देना है। कलाकार बैठेंगे नहीं खड़े रहेंगे। हमारे आदरणीय देवा भाटी जी कुछ 2 शब्दों से इस सभा को संबोधित करेंगे। एक बार जोरदार ताली बजा दो उनके लिए। जोरदार ताली। ने देखेंगे तेरे हिमाती ने देखेंगे तन्ने नंगा नाच नचावेंगे। तुम
खिलावेंगे। सृष्टि के रचने वाले जन तक खेल खिलावेंगे। सृष्टि के रचने वाले जन तक खेल खिलावेंगे। अरे तेरे जैसे मुजरिम पेरी बता, तेरे जैसे मुजरिम पे बतारी, तेरे जैसे मुजरिम पे बता कौन दया जल्लाद करे। तुम कौन दया करने वाले इस पर सब की इमदाद करे। कौन दया करने वाले इस पर सब की इमदाद करे। पहला बोया काट्या ना, देखा सांप कहन में प्यारे देवर कते पितल काट्या ना। सांप कहन में प्यारे देवर कते पितल काट्या ना। अरे हमने केरो कोण कहे जो तने थूक के चाट्या ना। देखा ईश्वर की ही माया कहो देवर भेद किसे न पहला बोया काटा नारी। अरे पहला बोया काटा नारी, पहला बोया काटा ना। तू मत ना घनी अनाद करे। गुरु मान सिंह के